नमस्ते दोस्तों, मेरे किचन की दुनिया देसी फ्लेवर्स बाई आरुषि में आपका स्वागत है। आज मैं हलवाई के जैसे बालूशाही बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, तो रेसिपी ध्यान से देखिएगा। ये बालूशाही एकदम हलवाई जैसी बनेगी और साथ में ये इतना सॉफ्ट बनेगा कि आपको एकदम टेस्ट एकदम मार्केट जैसा लगेगा। तो रेसिपी ध्यान से देखिए और रेसिपी देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इसके लिए पहले हम चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चीनी लिया है, साथ में हमें 1 कप पानी चाहिए। तो बस अब इसी को हमें हल्के फ्लेम पे अच्छे से चाशनी बनाना स्टार्ट करना है। थोड़ी देर बाद से इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इलायची डाल देंगे। यहाँ पे मैंने इलायची कूट के पहले से ही रखा था, तो ये रहा, इसको हम इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा कि फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इलायची डालने के बाद से हम इसको थोड़ी देर पकाए। थोड़ी देर पका लेने के बाद इसमें हम हल्का सा फूड कलर ऐड करें, जिससे कलर बहुत सुंदर आता है। तो यहाँ पे मैंने एकदम से हल्का सा फूड कलर लिया है। फूड कलर डालने के बाद से इसको हम फिर से इस तरीके से मिक्स कर लें। हमारी चाशनी एकदम से बन के रेडी हो चुकी है। ये देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया। चलिए मैं पास से दिखा देती हूँ। तो हमारी चाशनी एकदम से रेडी हो चुकी है, इसको हमें साइड में रख लेना है। अब चलिए हम थोड़ा सा आटा गूंद लेते हैं। तो चलिए अब हमें चाहिए 1 कटोरा मैदा। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरा मैदा लिया है। ये मैदा डालने के बाद से इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे और साथ में थोड़ा सा हम एकदम हल्का सा नमक लेंगे और इसमें मोयन के लिए हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को डाल देने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स करें। और याद रखिएगा, एकदम हल्का हल्का पानी डाल के ही इसे हम गूंदें, क्योंकि एकदम गीला नहीं बनना चाहिए, एकदम इस तरीके का ही गूंदें। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ किस तरीके का, ये देख लीजिए। इसी तरीके से हल्का हल्का पानी डाल के मैंने गूंद लिया है और इस तरीके से गूंदें, देखिए इसमें जाली पड़ने लगा है। तो बस हमें ऐसे ही इसको छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद से इसको क्या करेंगे, हम इस तरीके से हाथों से गोल कर करके इस तरीके से दबा दबा के हमें गोल करना है। और एक पेंसिल ले लीजिए, जैसे कि पेंसिल या पेन कुछ भी ले सकते हैं, उसको इस तरीके से इसके अंदर डाल के एक होल जैसा बना दें। तो ये देखा आपने, एकदम जाली वाली बालूशाही बनेगी। तो सभी को क्या कीजिए कि ऐसे ही एक एक करके आप तैयार कर लीजिए और साइड में रख दीजिए। इसी तरीके से बनाइएगा, थोड़ा सा फटाफटा रहना चाहिए, इससे देखने में भी अच्छा लगेगा और चाशनी भी बहुत अंदर चला जाएगा, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने सभी को इस तरीके से बना के साइड में रख लिया है। अब चलिए गैस के पास चलते हैं। गैस पे पहले मैंने सादा तेल ले लिया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को हमें क्या करना है, लो कर लेना है। फ्लेम को लो इसलिए करेंगे ताकि ये तुरंत से जल ना जाए। तो यहाँ पे हम फ्लेम को लो करके तब इसमें हम एक एक बालूशाही को इस तरीके से डालेंगे और हल्के आंच पे ही इसको हम थोड़ी देर तक पकाएंगे, जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। बीच बीच में हम इसे उलटते रहेंगे, ध्यान से उलटिए, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है तो टूट जाएगा, तो इसीलिए हल्के हाथों से ही इसको हमें उलटते रहना है। तो यहाँ पे चलिए दूसरी साइड भी हम हल्का पका लेते हैं। अभी ये हुआ नहीं है, जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा तो समझ जाइएगा कि एकदम से ये परफेक्ट बन के तैयार हो चुकी है, तभी इसको निकालिएगा। तो बस मीडियम फ्लेम पे, लो फ्लेम पे इस तरीके से करके इसको हमें कंटिन्यू पकाते रहना है। थोड़ी देर में देखिएगा कि इसका कलर चेंज हो गया। ये देखिए एकदम परफेक्ट कलर इसका हो गया। अब इसको निकाल के हमें क्या करना है, तो चलिए अब इसको हम निकाल के साइड में रख देते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट कलर आया है बालूशाही का। अब बाकी के जो बालूशाही है उसको भी हम इसी तरीके से लो टू मीडियम, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पका लें। तो यहाँ पे मैंने सबको फिर से एक एक करके इसमें डाल दिया है। अब चलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम अब चाशनी के पास चलेंगे जो कि हमने पहले से तैयार करके रखा है। तो यहाँ पे मैं सभी बालूशाही को लेके चाशनी के पास आ गई हूँ और इस तरीके से हमें क्या करना है, एक एक को इस तरीके से चाशनी के अंदर डालना है। ऐसा इसलिए करना है ताकि चाशनी में अच्छे से घुल मिल जाए। उसके बाद से हमें क्या करना है कि स्पून लेना है। स्पून से सभी चाशनी को इसके ऊपर डाल लेंगे और सबको इस तरीके से डाल डाल के भिगो देंगे और बाद में इसको क्या करेंगे, उलट भी देंगे। और इस सबको हमें 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे से ज़्यादा समय के लिए भी आप छोड़ सकते हैं, जितना ज़्यादा समय के लिए छोड़े अच्छा है। इससे क्या होगा कि चाशनी जो है एकदम से बालूशाही के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। बाकी के जो बालूशाही थे मैंने उन्हें भी इसके अंदर डाल दिया है और सभी को डाल देने के बाद मैंने 1 घंटे के लिए इसे साइड में करके रख दिया था। 1 घंटे पूरे हो जाने के बाद से मैंने क्या किया, देख लीजिए, मैंने एक एक बालूशाही को इस तरीके से लिया और प्लेट के अंदर डाल के इसको डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसी बालूशाही बनी है जो कि मार्केट में आपको मिलती है। तो अगर आप भी इस तरीके से हलवाई जैसे बालूशाही बनाना चाहे तो मेरा ये रेसिपी एकदम ध्यान से देखिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगेगी।
सिर्फ तीन चीज़ों से मैंने ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बालूशाही घर पे ही बनाया है। ऊपर से मैं क्या करें, थोड़ा सा पिस्ता बादाम से इसको मैं डेकोरेट कर दे रही हूँ, साथ में मैं ऊपर से हल्का सा नारियल का जो गुरादा होता है मैं उसको इसके ऊपर इस तरीके से डाल दूँगी। इससे क्या होता है, देखने में भी अच्छा लगता है, बिल्कुल मार्केट वाला लुक आता है। तो रेसिपी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और एक बार ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा हलवाई जैसी बालूशाही, जो कि घर में तीन चीज़ों से आप आसानी से बना सकते हैं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मैं तो चली खाने, मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ये देखिए एकदम परफेक्ट वाली बालूशाही कितना अच्छा सा बना है। तो मैं तो चली खाने, बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो लाइक कीजिए, बाय बाय।